गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह के इस मधुर बेला पर आप सभी को मेरा नमस्ते। आज यह मेरा दूसरा दिन है विनय की पाठशाला में कक्षा 8 विषय गणित के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको परिमेय संख्याएं और संक्रियाएं का चैप्टर था और उस चैप्टर में प्रश्न नंबर 2 का ए नंबर तक कल मैंने आपको बताया था। आज उसी चैप्टर का दूसरा नंबर है और दूसरा नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से आपको निरूपित करना है। तो प्रश्न आपका है, कह रहा है -3 बटे -4 प्लस 5 बटे -6। देखिए बच्चों, इसको मैंने कल आपको बताया था कि जब इस तरह का सवाल आ जाए और उसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना हो, यानी रेखा पर निरूपित करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है आपको, इसको सीधे सीधे दोनों को आपको हर का क्या करना होगा, समान करना होगा। हर को क्या करना होगा, समान करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। तो हर को यदि हम समान करते हैं तो हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ -3 बटे -4 प्लस 5 बटे -6। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे, देखते हैं कि अगर हम इसको दोनों में माइनस है तो इसको माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो हमारी संख्या ये क्रिएट हो जाती है 1 3/4 प्लस और दूसरे कोष्टक में हो जाता है 5/-6। और आप जानते हैं कि 4 और 6 का जो लासा होता है वो होता है 12। तो 4 और 6 का जब लासा होगा 12, तो चलिए हम इसको हर समान करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और आप जानते हैं कि हर का भाग हर में देना पड़ता है और जितना आता है उसको अंश में आप क्या करते हैं, उसको गुणा करते हैं। तो 4 3 12 तीन बार गया, 3 3 का कितना हो गया 9, यानी 9/12 एक हमारी भिन्न हुई। प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा देंगे, दूसरे में भी हमारा लासा क्या है इसका 12 है, तो हम 6 2 12 यानी 2 बार जाएगा, और जब 2 बार जाएगा और 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी माइनस का हमारा कितना, चाहे माइनस ऊपर लगा दीजिए चाहे माइनस नीचे लगा दीजिए। देखिए बच्चों, ये दोनों भिन्नों का हर क्या हो गया हमारा, समान हो गया। जब समान हो जाएगा तो हमारे पास अब ये 9/12 हमारी ये पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है और ये 10/-12 ये हमारी क्या है, निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या है। अब इसको क्या करना है, हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा का एक मध्य बिंदु होगा जिसका नाम आप दे देंगे 0 नाम दे देंगे। आप जानते हैं कि 0 से यानी मध्य बिंदु से दाहिने तरफ जाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी धनात्मक में कहलाती है और बाएं साइड जो आने वाली संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऋणात्मक कहलाती है। तो हमारा धनात्मक में 9/12 यानी 9 के हमको कितने भाग करना है, 12 करना है। तो 9 के बाद आप 10 तक भी ले सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और आगे बढ़ा लीजिए, आप 7 8 9 10 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जरूरत सिर्फ कितने तक की है, 9 तक की। और इसको हम लिख देते हैं 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 और 10/12। ये हमारी धनात्मक हो गई। अब ऋणात्मक में हमको कितना आना है, 9 तक आना है। तो आप जानते हैं कि 9 तक करना है, 10 तक हमको करना है, 10 के कितने भाग करना है, 12 भाग करना है। तो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमको यहाँ से 9 से गिनना होगा तो हमको जरूरत ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम डैश डैश करके लिख सकते हैं उसको, 1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12
माइनस छह बटे और डैश डैश करके आप यहां तक लिख सकते हैं माइनस दस बटे बारह। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि 9 बटे 12 है तो 9 क्या करेंगे हम जीरो से उठाएंगे, यानी कहाँ से उठाएंगे हम जीरो से उठाएंगे, 9 तक लेके जाएंगे, इसको निरूपित कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा ठीक। अब उसके बाद माइनस क्या है, माइनस का 10 बटे 12 है तो माइनस 10 बटे 12 तक हम इधर लेके आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर यह रेखा आपकी गिरती है वहीं से आप काउंट करना शुरू कर देंगे, अर्थात गिनती करना शुरू कर देंगे। देखेंगे यहाँ से गिनेंगे, सभी बच्चों ध्यान में ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी माइनस वन तक आया तो हम क्या करेंगे यहाँ से ये रेखा लेंगे और यहाँ तक ये लाएंगे और इसको इसमें मिला देंगे। अब आपको समझ में ये आता होगा कि माइनस वन बटे ये 12 जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सर जी यहाँ पे लिखा 10 बटे 12, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर यदि हमारा माइनस 1 बटे 12 आता है तो निश्चित तौर पर हमारा ये संख्या, ये हमारा सवाल सही होगा। तो हम नीचे लिखेंगे आता है, क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी 9 बटे 12 दिया है और प्लस दिया है 10 बटे माइनस 12 दिया है। तो देखेंगे 9 बटे 12 आप देखेंगे इसको प्लस है, इसको यहाँ माइनस है, तो धन ऋण का गुणा कितना हो जाएगा ऋण, और कितना आ जाएगा 10 बटे 12। जब हर समान होता है तो हम अंश अंश को एक जगह पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी 9 माइनस 10 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और हमारा ये प्लस का है, ये हमारा क्या है माइनस का है, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है ऋण घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे 12, और हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखे होंगे और समझे भी होंगे, और ये सवाल बहुत ही इजी था। चलिए अब आगे सवाल आते हैं। चलिए ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए, लासा लेकर सरल कीजिए। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है कि 5 बटे 12, यानी का नंबर में दिया है 5 बटे 12, फिर दिया हुआ प्लस कोष्ठक के अंदर दिया हुआ है माइनस 7 बटे 16। तो देखिए इसको पहले एक ये दिया हुआ है, और दूसरे नंबर पे यानी खा नंबर जो है वो खा नंबर में दिया हुआ है आपका कि माइनस 3 बटे माइनस 11, प्लस कोष्ठक के अंदर दिया है माइनस 4 बटे 33। ये दो प्रश्न है आपके पास है का और खा करके, इसका हर का लासा लेकर के आपको सरल करना है। बहुत ही जी सवाल है, इसको ध्यान से आप देखेंगे निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको करते हैं, का नंबर का हल करते हैं। सवाल हमारा दिया हुआ है कि 5 बटे 12 प्लस माइनस 7 बटे 16। तो हल करते हैं इसको, देखेंगे अब 5 बटे क्या है, ये 5 बटे 12। अब देखेंगे ये क्या हमारा, ये धन का है और यहाँ ऋण का है, तो पहले कोष्ठक को बाहर करेंगे, करने के लिए आपको साइन चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। तो धन ऋण का गुणा क्या होता है ऋण, तो ऋण हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 7 बटे 16 आ जाएगा। तो हमारे पास दो भिन्न हो गए, यानी 5 बटे 12 माइनस 7 बटे 16। अब आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है आपका 48 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रखेंगे आप 48 और 12 चौको 48, यानी 4 बार जाता है, और 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, माइनस का चिन्ह लगा माइनस, 16 × 48 3 बार गया, और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 × 7 कितना हो जाता है 21। ये हमारा धन का, ये हमारा माइनस का है यानी ऋण का है, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है ऋण, यानी घटा देंगे हम, तो हमारा 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 48।
अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, संख्या, बड़ी संख्या है, और जब बड़ी संख्या होगी तो उसके पीछे किसका साइन चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है, तो हमारा माइनस का ही साइन चिन्ह लगेगा, और ये प्रश्न आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए ख नंबर की तरफ चलते हैं। ख नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कि 3/-11 प्लस कोष्टक के अंदर दिया हुआ है -4/33। चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, बहुत ही जी सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे और सवाल को उतारेंगे कि -3/-11 प्लस 4/ कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब हर और अंश में दोनों अगर समान साइन चिन्ह हो तो उसको आपस में हम क्या करते हैं, काट सकते हैं, यानी इसको इसको हमने कैंसिल कर दिया, कोई हमारे भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ना ही उत्तर में परिवर्तन होगा। तो 3/ कितना हो जाएगा बच्चों, 3/11 हो जाएगा। अब इसका धन का गुणा ऋण में करेंगे तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4/33। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 और 33 का लासा कितना होता है, तो 11 और 33 का लासा होता है 33 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33 और 11 का भाग 33 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 11 3 33, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस 33 का भाग 33 में देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम कितने में करेंगे, 4 में करेंगे, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये धन का है, ये हमारा ऋण का है, तो धन ऋण का गुणा कितना होता है, ऋण होता है, तो 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 5/ कितना हो जाएगा, 33, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों से कि ये सवाल आपका जरूर आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे दूसरा सवाल, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपका दिया हुआ मान, मान आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, क्या करना बच्चों, मान आपको ज्ञात करना है। तो मान चाहे ज्ञात करना हो चाहे आपको सरल करना हो, बात दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो मान क्या करना है, तो मान में आपका पहला आपका दिया हुआ है कह रहा 2+-11/9 दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर में आपका दिया हुआ है कि -3+ कोष्ठक के अंदर दिया हुआ है -2/-3। चलिए हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, तो बोर्ड पे आप निगाह आपके सामने बोर्ड पे रहेगी, जब आपका कंसंट्रेट सही होगा तो निश्चित तौर पे आपको सवाल समझ में आएगा। देखिए हल करते हैं इसको, तो लिखते हैं हम 2, आप देखेंगे हमने बताया था कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो पहले हम कोष्ठक को तोड़ते हैं, तो 2 का यानी ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, तो माइनस हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ दूसरी भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, 11/9, यानी इसका इसका गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, और हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 11/9। और सभी बच्चे आप जानते हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन पे अंश हो और हर हमारे पास ना दिया हो तो हर में हम अपने मन से 1 रख देते हैं, और हमारे हर में किसी भी भिन्न में हर में हर को 1 से भाग देने पर उस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो हम अपनी सुविधा अनुसार इसके बटे हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, और अब 1 और 9 का जो एलसीएम होगा अर्थात जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 1 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा माइनस, 9 × 9 9 एक बार गया, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 × 11 हो जाएगा, और इसको बराबर लिख सकते हैं, ये धन का ये ऋण का, तो धन ऋण का गुणा ऋण घटा देंगे तो 18 में से 11 हमारा घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 7/9 कितना आ जाएगा, 7/9, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं, फटाफट देखते हैं -3+-2/-3, इसको भी उसी तरीके हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस को
तीन कर लेंगे, कोष्टक को बाहर कर लेंगे, माइनस तीन आ जाएगा। ये धन का है, देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस लगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारा प्लस है तो प्लस कर देंगे और दो बटे तीन कर देंगे, इसके बटे क्या कर देंगे एक, और इसका लासा कितना हो जाएगा तीन, एक त्रिको तीन, तीन बार जाएगा और तीन का गुणा हम तीन में करेंगे तो कितना आ जाएगा नौ, और माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा प्लस लगा देंगे, और तीन का तीन में देंगे तो कितनी बार जाएगा तीन, तीन का नाम तीन एक बार जाएगा, और एक का गुणा कितनी में करेंगे दो में, तो एक दूनी दो, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ये प्लस का। आपको ये भी नहीं पता होता है कि हम सर जी अब क्या करें, इसमें प्लस करें या माइनस करें, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई कराया था साइन चिन्हों का पिछली क्लास में। तो ये आपका धन का, ये ऋण का, यानी धन ऋण का गुणा क्या होता है ऋण, जब ऋण आ जाए इसका तो मान लीजिए आपको क्या करना है घटाना करना है, तो हम नौ में से हम दो घटा सकते हैं कितना आएगा सात, तो नौ में से दो गए कितना आ जाएगा सात आ जाएगा। लेकिन साइन चिन्ह किसका लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिसके पीछे जिसका साइन चिन्ह होगा वही साइन चिन्ह लगेगा, तो माइनस सात बटे तीन, और हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये आपका चैप्टर, ये आपका अभ्यास एक यही से समाप्त होता है। और सभी बच्चों, मैंने कल आपको अपने ग्रुप में, यानी आपके अभिभावक यानी आपके भैया या आपके पापा के ग्रुप में मैंने इस वीडियो को और इसकी पीडीएफ बना करके भेजा था, और आप लोगों को कहा था कि सभी लोग इसकी एक एक नोट्स बना लीजिए, 200 पेज का रजिस्टर ले लीजिए और उसी में डेट बाय डेट आप उसको नोट करते रहिए, और उसको हमको एक फोटो खींच करके जरूर हमारे पास भेज दीजिए, जिससे कि हम भी समझ जाएं कि नहीं हमारे बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब आके आपको नेक्स्ट वीडियो पे कल आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।